चल रहे हैं, चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अभी हमारा ऑर्डर ब्रेकफास्ट और अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे। अभी कंफर्म नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो हाँ, हम रुके थे यहीं पे, होटल भी है, रेस्टोरेंट वगैरह सब है यहीं पे। यहाँ जाके आप फोटो देखते हो मंदिर में, फोटो देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और धूप देखो कैसे रखी बार, मौसम कितना प्यारा मौसम रखा है। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, देन हम जाएंगे नीचे प्रसाद लेने के लिए, मतलब घर वालों के लिए और दोस्तों वगैरह के लिए। देन उसके बाद हम निकलेंगे आगे नैनीताल के लिए, ठीक है? तो चलिए हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके आपको मिलते हैं। भाई जब भी यहाँ हो ना, ये चटनी यहाँ पर ज़रूर खाना। यहाँ कहाँ, नाम तो बताओ। कैंची धाम मंदिर आके, और ये कौन सा रेस्टोरेंट है? जिस रेस्टोरेंट में हम रुके हैं किरोला रेस्टोरेंट। फीडबैक बताओ, फीडबैक दो कुछ। अच्छा होम स्टे है, अच्छा लोकेशन पे है, आपको मिल जाएगा। चटनी तो इन्हें पसंद आई, फूड मुझे पसंद आया। भटके दाल चटनी आप खाना, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हमारा ऑर्डर ब्रेकफास्ट और अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे। अभी कंफर्म नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो बाइक पे बैठेंगे फिर पता चलेगा कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। बैठो बैठो। इसे तो 330 किलोमीटर पड़ा मुझे उत्तम नगर से यहाँ कैची धाम गया। प्रसाद ले लिया जी। जय हो नीम करोली वाले बाबा की। तो गाइज निकल चुके हैं हम यहाँ से अब आगे के लिए, और अभी हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर, देन वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बीच में अच्छी अच्छी लोकेशन है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, तो हम उन मंदिरों को कैसे मिस कर सकते हैं। इसलिए हम वो मंदिर भी जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, और ऐसे बेवकूफ़ ड्राइवरों से बच के रहें। जय श्री राम। यार सच में यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, और अगर यहाँ पे आप आ रहे हो ना, अगर आपको एक बढ़िया होटल चाहिए और रीज़नेबल अमाउंट में चाहिए, फूड भी मिल जाए वहाँ पे, तो अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ हम रुके थे और वहाँ का प्राइस वगैरह, फूड वगैरह सब बढ़िया था, एवन था। स्टे भी अच्छा रहा हमारा, फूड भी अच्छा रहा, मतलब मज़ा आ गया। हाँ हम रुके थे यहीं पर, होटल भी है, रेस्टोरेंट वगैरह सब है यहीं पर। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला चौक पड़ता है ना रिटर्न आते वक्त, वहाँ से आपको लेना है लेफ्ट। बाकी आप मैप भी लगा सकते हैं वैसे, पर बता देता हूँ फिर भी मैं हल्का फुल्का, लेफ्ट वाली लेन में पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर, गोलू देवता जी के भी दर्शन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ उत्तराखंड में उनकी, कुमाऊँ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनका नाम लेते ही, उनका बस आशीर्वाद बने रहे। और क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर, पास में ही है तो यार आराम से इजीली आप घूम सकते हो वहाँ पे भी, ज़्यादा दूर है नहीं जो आपको ज़्यादा सोचना पड़े। सबसे बढ़िया है ये जो मेरा जो प्लान है, ट्रिप बनी है ना राउंड ट्रिप का, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हमने साथ में घूम ली है, तो मेरे को ठीक लगा। दो तीन चीज़ें हम अच्छे से घूम लिए हैं तो बढ़िया है, और क्या चाहिए। खाली खड़े होने से, कहीं बैठने से, कहीं सोने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा दो कदम बढ़ो, कुछ ना कुछ मिलेगा नया, चाहे सीखने को मिले, है ना। तो एक सामने खड़े होने से अच्छा है आप दो कदम चलो, दो कदम पे नहीं तो दो कदम और चलो, पर आपको सुकून ज़रूर मिलेगा।
सक्सेस भी ऐसी मिलती है धीरे धीरे, एकदम से अगर आप चढ़ जाओगे तो एकदम से फिर नीचे गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से जो चीज़ मिल जाती है ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, बट जिसके लिए हमने काफ़ी दिन तक वेट किया होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया है उसको सोचने के लिए, उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि हाँ मिल जाए मिल जाए, तो उसकी वैल्यू होती है। ट्रैफिक बहुत है यार इधर, जैसे मतलब इधर की साइड तो काफ़ी ट्रैफिक क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, हमारे इधर जैसे हम रखनी खाल की साइड इतना ट्रैफिक होता नहीं है, वहाँ टूरिस्ट एरिया थोड़ा कम है। हमारे यहाँ बस एक सबसे फेमस जो मंदिर है वो है ताड़केश्वर मंदिर, अगर आप उधर की साइड जाओगे तो ताड़केश्वर मंदिर भी आप ज़रूर जाना। ताड़केश्वर मंदिर की वीडियो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हो। ओह रे, अब रोड आ गई जैसे पूरे गांव में आती है वैसी रोड, पतली रोड आ गई। तो आज चलो यहाँ से रह गया सिर्फ 2.8 किलोमीटर। अब यहाँ थोड़ी ठंडक ज़्यादा है क्योंकि ये पेड़ देख रहे हो आप, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं कुलें, गढ़वाली में कुलें बोलते हैं, ऐसे चीड़ के पेड़ भी बोलते हैं इनको है। मुझे इतना पता नहीं है, ध्यान नहीं है, बट हमारे गढ़वाली में इनको हम कुलें बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्योंकि जहाँ ये होते हैं वह ठंड हवा बड़ी प्यारी चलती है उस टाइम पर, कैसे ऐसे बेवकूफ़ लोगों की इससे तो भाई दूर रहो, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं, जब आती ही नहीं है तो पता नहीं क्यों लेके आते हैं पहाड़ों में चलाने के लिए, सामने वाले को भी दिक्कत खुद को भी दिक्कत। मुझे लगा ऊंचाई पे है मंदिर, इधर सही हो रखा है मौसम। तो गाइस ये रही हमारी बाइक, वेट में डालना ही पलट जाएगी इधर जरा से भी हिली तो। ये है, ये है और ये है, फिर दिखाता हूँ देखो आपको, है बढ़िया सा। ओ क्या जगह है यार वो देखो, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, पर जगह बढ़िया है। हाँ भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, तो मज़े लेते रहो। बस यहाँ से रह गया है सिर्फ 4 मिनट का रास्ता, 1 किलोमीटर, सैनिक स्कूल गोराखाल। अच्छा 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 अच्छा, गलत आ गए। भैया मंदिर इधर ही साइड है, यही रूट है मंदिर का। चल रहे हैं उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार मुंह पे धूल उड़ाते हुए चली गई। बस हम पहुंच गए हैं मंदिर। ओके ये देखो इतनी वहाँ जगह है फिर भी यहाँ चला रहा है भाई हमारा। जो रास्ता दिखा रहा था ना वो स्कूल का रास्ता था, स्कूल के अंदर अंदर का ऐसा कुछ हुआ। चलो जी गोलू देवता टेम्पल भी हम पहुंच गए हैं। सो गाइस हम मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पार्किंग करनी है और जो गेट बता रहा है ना यहाँ से जाए, अंदर से मेरी गाल तो मना है इसीलिए यहीं से जाना है। जय गोलू देवता।
गोलू देवता न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें गौर भैरव के रूप में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं चिट्ठी पर लिखकर मांगते हैं और जब वह मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह घंटी चढ़ाते हैं। तभी यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ बांधी हुई हैं। और अब निकलेंगे आगे शिव मंदिर के लिए। बाहर का व्यू दिखाता हूँ, देखो मौसम चेंज हो गया है और व्यू हो गया मस्त। हम घोड़ा घाल से निकल चुके हैं। वैसे ओके यार, हमने मतलब दूसरी जगह से एंट्री करी थी, मेन गेट ये था, क्योंकि यहाँ पे ना सारा प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था और हम प्रसाद लेके तो गए जा नहीं पाए, क्योंकि हमें सोचा वहीं से मेन गेट है तो ये सारे यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके और यहाँ से एंट्री। बाबा जी सॉरी, जय गोलू देवता। और हमने भेंट चढ़ाई सीधा, वहाँ पहाड़ियों में तो ज़्यादातर भेंट ही चढ़ती है देवताओं को। अब यहाँ से दिखा रहा है 38 किलोमीटर दूर, 1 घंटा 23 मिनट। कहाँ कहाँ पार्किंग कर रखी है भाइयों ने, कह रहे हैं रास्ता बढ़िया है तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे सच कहूँ तो ऊपर जब मैं था ना, तो ऊपर से तो नीचे आने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, इतना प्यारा मौसम, और मौसम अभी तो वैसे भी बिल्कुल ठंडा हो रखा है, नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमारे ये जो प्लान बन रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बन जा रहे हैं, हम कोई डिसाइड करके नहीं आए थे हमने यहाँ यहाँ जाना है ऐसा कुछ। हमारा सबसे मेन पहले जो मेन था हमने सोचा था, वो हमारा प्लान था कि यहाँ से जो दिल्ली से हम आएंगे तो पहले नीम करौली बाबा जी के मंदिर जाएंगे, देन वहाँ से हम जाएंगे नैनीताल। बट सुबह ही पता नहीं क्या अपने आप ही ऐसा प्लान बनाया, ऐसा मूड बना आसपास का थोड़ा जाना, मतलब पूछा किसी से तो ये सब डेस्टिनेशन पता चली कि आसपास में ही है, तो हमने सोचा फिर यहाँ आए हैं तो फिर यही मंदिर भी हम घूम लेते हैं के भी दर्शन कर लेते हैं, और वहाँ से मुक्तेश्वर भगवान शिव भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से सिर्फ
38 किलोमीटर दूर है और रोड भी काफ़ी अच्छी है। तो हम सो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे मुक्तेश्वर, ठीक है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और अगर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी मुझे बता दीजिए। नाथु ओरा मुक्तेश्वर के लिए ऊपर वाला रूट है, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मुक्तेश्वर के दर्शन करवाएंगे, मुक्तेश्वर मंदिर है जो, वहाँ का दर्शन करवाएंगे।